आज 19 अगस्त है। आज 19 अगस्त को बस कुछ ही देर में जेल का फाटक खुलेगा और यहां से क्रांतिकारी बाहर निकलेंगे। वैसे यहां क्रांतिकारियों के परिजन, सेनानियों के परिजन और सेनानी मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौजूद हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं। और आज ये बलिया बलिदान दिवस का ये अवसर ऐतिहासिक है, बलिया के आज़ादी से जुड़ा है, बलिया के क्रांति से जुड़ा है, इतिहास से जुड़ा है। इसलिए इस पुरानी परंपरा को आज भी एक सिस्टम के तहत एक यादगार की तरह निकाला जाता है। यहाँ से जो यात्रा निकलती है वो शहर भ्रमण करने के बाद क्रांति मैदान टाउन हॉल पहुँचती है। उसके पहले वो गांधी पार्क, जहाँ महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा है, वो स्थल के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आज़ादी के वक्त जब देश आज़ाद हुआ, यानी बलिया आज़ाद हुआ, तो उस वक्त सेनानी और सेनानी के परिजन उस स्थान पे थे, इसलिए शहीद पार्क चौक के नाम से आज भी वो जगह जाना जाता है। आज़ादी का पर्व जश्न आज पूरे बलिया में मनाया जा रहा है। यहाँ जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मंत्री, सांसद, विधायक, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, समाजसेवी, तमाम बड़े व्यापारी यहाँ मौजूद रहते हैं। चूँकि इसलिए ये पुरानी परंपरा है और इसको बेहतर रखना है। बलिया के इतिहास से जुड़ा बलिया बलिदान दिवस आज एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि आज के दिन ही बलिया आज़ाद हुआ था और आज़ादी का ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने का ये सिलसिला है जो निरंतर चली आ रही है। बात करें 1942 से अब तक 2024 तक ये परंपरा यहाँ के क्रांतिकारियों के परिजनों द्वारा सुचारू रूप से चलाई जाती है। आज हम जिला कारागार परिषद में हैं। दुल्हन के तरह सजा ये कारागार, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के लोग और यहाँ के सेनानी और यहाँ के सेनानी परिजन इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। हम फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें हमसे बलिया अंचल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।